पेट्रोल पम्प्स मार्केट्स फैक्ट्रीज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एक्सेट्रा ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई इट इज़ बिल्ड बाय देम यानी कि इट इज़ बिल्ड बाय देम हु मेड दिस हु मेड दिस बिल्डिंग्स यानी कि ये कौन से लोग हैं जो ये सब बनाते हैं और वो ये सब तैयार करते हैं हु आर हु हाउ आर ऑल दीज थिंग्स बिल्ड ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनी यू मस्ट हैव सीन अ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है इट वो वो उसका उस बिल्डिंग पे काम चल रहा है है अभी बन रही है। उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और टूल्स यूज होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स मैसौस कारपेंटर, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते छोटे मोटे लोग जो इस बिल्डिंग को पूरा तैयार करने में हेल्प करते हैं पहले हम लोग बात करते हैं हाउसेज़ इन रूलर एरियाज़ यानी कि रूरल एरियाज़ में किस तरीके के घर होते हैं यानी कि गाँव में विलेजेस में किस तरीके के आपको घर दिखाई देंगे विलेजर्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेस मेक ब्यूटिफुल हर्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स यानी कि जो विलेजर्स होते हैं जो गांव वाले लोग होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में बहुत सुंदर सुंदर तरीके के अलग अलग हर्ट्स और झोपड़ियाँ बनाते हैं अलग अलग शेप और साइज़ की जो मटीरियल वो यूज़ करते हैं वो हमारे जो सिटीज़ में यूज़ होता है उससे कुछ डिफरेंट होता है जैसे कि मर्ड ग्रासेस लीव्स बैम्बू वुड इस तरीके का मटीरियल वो यूज़ करते हैं अपना अपना घर बनाने के लिए और जो भी हट्स uh, कि जो झोपड़ियाँ वो बनाते हैं उनकी जो रूफ्स होती है वो स्लोपिंग होती है जो फ्लोर होता है जो जमीन होती है वो कोटेड होती है विद द मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स द फर्स्ट इज मर्ड एंड द सेकेंड इज डंक और जो मोस्ट ऑफ द हट्स होती है उनके अंदर टॉयलेट्स नहीं होते ये फैसिलिटीज उस उनके हर्ट में झोपड़ियों में नहीं होती है अब हम बात करते हैं हाउसेज इन सिटीज यानी कि घर में किस सॉरी uh, यानी कि शहरों में किस तरीके के घर मिलते हैं घर होते हैं किस तरीके के घर आपको दिखाई देते हैं हाउसेज इन सिटीज़ आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स यानी कि किसके क्या क्या यूज़ होता है उसमें ईट यूज़ होती है स्टोन डस्ट पत्थर की जो डस्ट होती है वो आयरन ग्रेवल ग्रेवल यानी कि छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं सैंड मिट्टी सीमेंट कभी कभी किसी घर में वुड भी यूज़ करते हैं ग्लास यूज करते हैं अगर कोई घर बहुत लार्ज स्केल में बन रहा हो तो वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर मेड अप ऑफ़ ब्रिक्स यानी कि जो दीवारें होती है वो ईटों से सीमेंट से स्टोन डस्ट से बनी होती है उसके बाद उसको प्लास्टर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड जो पिलर्स होते हैं जो पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स जो होते हैं वो आयरन से सीमेंट से ग्रेवल से एंड स्टोन डस्ट से बनते हैं यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ तरीके की पिक्चर्स दिखाई देती है फ़र्स्ट इज़ अ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन दिस इज़ द बिल्डिंग विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि इस पर काम चल रहा है अब इस तरीके के आपको मटेरियल यूज़ हो रहे हैं जो आपको हाउसेस बिल्ड करने में यूज़ होंगे फर्स्ट इज़ सीमेंट ब्रिक्स स्टोन डस्ट ग्रेवल सैंड एंड आयरन कि अब हम बात करेंगे रूफ्स की जो जो छतें होती हैं इन हाउसेस की जनरली किससे बनी हुई होती है आयरन से सीमेंट से स्टोनडन से ग्रेवल से डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर्स यानी कि जो ज़मीन होती है जो फ्लोर्स होते हैं उसको बनाने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल यूज़ होता है कुछ लोग मार्बल टाइल्स कुछ स्टोन टाइल्स कुछ ग्रेनाइट कुछ वुड पैनल्स इवन कई कई जगह पर प्लेन सीमेंट की ही फ्लोर्स uh, बन जाते हैं यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारा मटेरियल होता है इनको बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स के बना सकते हो आप किचन और टॉयलेट्स होते हैं उसके अंदर आयरन और प्लास्टिक के पाइप्स फिटेड होते हैं जो डोर्स होते हैं विंडोज़ होती हैं वो वुड से आयरन एल्यूमिनियम ग्लास और प्लास्टिक यूज़ होता है अदर मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है हाउस बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ होती हैं स्विचेस पेंट्स एक्सेट्रा यानी कि देर आर लॉट्स ऑफ मटीरियल विच यू कैन एड आप अपना घर बनाने के लिए ये सब चीज़ें आप एड कर सकते हो उसमें लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ब्रिक यानी कि बिना ईट के कोई भी घर कोई भी बिल्डिंग बनाना इट्स इम्पॉसिबल डू यू नो हाउ ब्रिक्स आर मेड क्या आपको पता है ब्रिक्स किस तरीके से बनते हैं ब्रिक्स जो होते हैं वो क्ले से बनते हैं और क्ले कहाँ से आता है जब हम अर्थ में अर्थ में earth को अर्थ को खोद करके जो हम उसमें से क्ले निकालते हैं क्ले इज डक फ्रॉम द अर्थ जो फाइन फाइन क्ला फाइन क्ले सेपरेटेड बाई बाय सिफ्टिंग सिफ्टिंग एक क्या होता है यानी कि एक सीव के थ्रू आप फाइन कोर्स ऑफ पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हो यानी कि आप उसको छान रहे हो uh, उसके बाद उस क्ले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है और जो वेट क्ले होती है जो गीली क्ले होती है उसको ब्रिक का शेप दिया जाता है कैसे शेप देते हैं जब हम उसको मोल्ड्स के अंदर डालते हैं मोल्ड्स आपको पता है जिस मोल्ड में आप आ, किसी भी लिक्विड किसी बैटर को अगर उस मोल्ड में डालोगे तो उसी शेप का आ जाता है तो इसी तरीके से ब्रिक को उस गीली क्ले को हम ब्रिक के मोल्ड्स में डाल देते हैं उसके बाद जो गीली ब्रिक्स होती है जो वेट ब्रिक्स होती 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 है उसको सन में ड्राई किया जाता है उसके बाद उस ड्राई ब्रिक्स को फर्नेंस पे बेक किया जाता है और ब्रेक ब्रिक्स जो होती है उसके बाद फिर उसको बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है यू कैन से दैट यू कैन सॉरी यू कैन सी दिस कि क्ले इज़ डक फ्रॉम द अर्थ उसको डक किया गया देन सिफ्टेड एंड मिक्स विद वॉटर वेट क्ले को शेप दी गई ईट की ब्रिक की शेप दी गई उसके बाद उसको बाहर ओपन एरिया में छोड़ दिया गया ड्राई करने के लिए उसके बाद लास्ट में उसको फर्नेंस में बेक करा गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूल्स एंड मशीन यूज इन बिल्डिंग वर्क यानी कि कौन कौन से टूल्स और मशीन्स यूज़ होते हैं बिल्डिंग uh, वर्क में फर्स्ट इज प्लास्टरिंग ट्रोवल स्पेड ब्रिक ट्रोवल हैमर एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रेट मिक्सचर इस तरीके के टूल्स एंड मशीन्स यूज़ होते हैं नाउ ब्रिजज़ वी बिल्ट अब हम बात करते हैं ब्रिजेस की पुल की बात करते हैं आप लोगों ने सुना होगा पुल बना हुआ है पुल पुल है यानि कि इट्स अ टाइप ऑफ ब्रिज आ, ब्रिज का मतलब क्या होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स को दो प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर सके या तो दो पीसेज ऑफ लैंड जैसे वाटर बॉडी कोई सेपरेट करके बैठी है कोई वैली या कोई बिजी रोड और रेलवे लाइन यानी कि उस लैंड को दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट तक दूसरे प्लेस तक उसको कनेक्ट कर सके ठीक है जिस तरीके के आप यहाँ पे ब्रिज देख रहे हो यानी कि इस वाटर के वाटर बॉडी वाटर के ऊपर एक ब्रिज बनाई गई है ताकि एक जना यहाँ से दूसरी जगह पे दूसरे प्लेस तक पहुँच जाए और uh, सेकेंड आप देख रहे हो कि ये जो बैम्बू बैम्बू और वुडन प्लान से जो ये ब्रिज बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है ताकि एक इंसान इस uh, इस यहाँ इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक आराम से पहुँच सके पीपल हैव बिन मेकिंग ब्रिजेस फ्राम बैंबू स्टिक्स फॉल इंड ट्री ट्रंक्स टू क्रॉस द डिस्टेंट पैचेज टू लैंड ऑफ लैंड और वॉटर यानी कि कोई भी लैंड का पैच या फिर कोई भी वाटर का पैच क्रॉस कर सके आराम से लार्ज नंबर ऑफ ब्रिजेस इसलिए बनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में ताकि वो एक पार्ट ऑफ द कंट्री को या एक पार्ट ऑफ प्लेस को दूसरे पार्ट ऑफ द दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर सकें देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बहुत अलग अलग तरीके की ब्रिजेस होती हैं उनका शेप उनका साइज अलग अलग होता है अब हम लोग कुछ ऐसी ब्रिजेस की बात करते हैं जो सबसे मेन होती हैं अब हम बात करेंगे फर्स्ट इज आर्च ब्रिज ये जो ब्रिज होती है बच्चों इट्स गेट सपोर्ट फ्रॉम आर्च लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर आप इस इसकी इमेज को अच्छे से देखेंगे तो एक आर्च शेप स्ट्रक्चर से ये सपोर्टेड है ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल है आज रेलवे ब्रिज इट्स पुलन बुर्ग इन केरला केरला में है ये इस तरीके की ब्रिज सेकेंड ब्रिज है हमारी बीम ब्रिज बीम ब्रिज द बीम ऑफ द ब्रिज रेस्ट ऑन द पिलर यानी कि जो ये ब्रिज होती है वो दो पिलर्स के सपोर्ट पे खड़ी होती है एट ईच एंड यानी कि दोनों एंड्स पे पिलर्स होते हैं और ये शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने के लिए इस ब्रिज को यूज किया जाता है इसका एग्जाम्पल है काली सिंध ब्रिज कोटा राजस्थान देन वी है इट्स कैंटिलीवर ब्रिज ये जो ब्रिज होती है कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स इट्स अ रिजिड स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट एक्सटेंड्स वन एंड यानी कि एक ही एंड होता है इस ब्रिज का और ये हॉरीजोंटली ही बनती है द रोडवे ऑफ द कैंटिलीवर ब्रिज इज हेल्ड इन प्लेस बाय कैंटिलीवर और लॉन्ग स्ट्रक्चर्स यानी कि इसका जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इसका एक ही एंड होता है एक्सटेंड ओनली एट वन एंड और हॉरीजोंटल सपोर्ट में बनती है ये प्रोजेक्टिंग आउट इंटू द वॉटर दे आर एंशरोनली वन एंड यानि कि दे आर ओनली सपोर्ट एट वन एंड केबल स्टे स्टेल्ड ब्रिज केबल स्टेट ब्रिज का मतलब क्या होता है ये केबल स्टेट ब्रिज सपोर्ट्स द मेन पैसेज यूजिंग अ टावर्स यानी कि टावर्स के मेन uh, टावर्स की हेल्प से ये सपोर्ट करती है और इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्कील केबल्स लगाए जाते हैं ठीक है जिस तरीके से आप देख रहे हो ये टावर की शेप में नैनी ब्रिज ओवर यमुना रिवर लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया द लास्ट वन इज सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ये दो पेयर्स ऑफ पिलर्स के सहारे ये खड़ी होती है विथ टू और मोर केबल्स यानी कि दो दो मेन पेयर्स ऑफ पिलर्स स्टैंड करते हैं और उसी के सपोर्ट में ये पूरा का पूरा ब्रिज खड़ा हुआ है इसके साथ साथ टू और मोर केबल्स यूज किए जाते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील स्लंग बिटवीन दैम जिस तरीके से आपने लक्ष्मण लक्ष्मण झूना ऋषिकेश उत्तराखंड में देखा होगा इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो